हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट प्रबल बायोलॉजी। आज हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा, हेमिकार्डेटा एक फाइलम है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको पहले डिस्कस कराता हूँ। एक्चुअल में इस हेमिकार्डेटा को पहले एक सब फाइलम के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? कि हेमिकार्डेटा एक सब फाइलम है और जिसे कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन कब की बात है? पहले हेमिकार्डेटा वाज एर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। आज के समय में नहीं, पहले, एर्लियर का मतलब होता है पहले, एर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। किसके अंतर्गत? कार्डेटा के अंतर्गत इसे एक सब फाइलम माना जाता था, लेकिन आज के समय में बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम। आज के समय में कब? नाउ आज के समय में अब एक इसे सेपरेट फाइलम माना जाता है अंडर नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में, तो याद रखिएगा, पहले इसे कार्डेटा में एक सब फाइलम माना जाता था। हेमिकार्डेटा को एर्लियर, दैट इज पहले, एक सब फाइलम माना जाता था कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत, लेकिन आज के समय में एक सेपरेट फाइलम माना जाता है और कार्डेटा में नहीं है, किसमें है? नॉन कार्डेटा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिएगा। तो हेमिकार्डेटा वाज एर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। ठीक है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में कुछ अपडेट भी है कि हेमिकार्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्प विकसित या कम विकसित। तो हेमिकार्डेटा में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है? इसकी कॉलर रीजन में होता है। उसे क्या कहते हैं? स्टोमोकार्ड। और ये स्टोमोकार्ड बिल्कुल सिमिलर होता है नोटोकार्ड के जैसे। जैसे कार्डेट में नोटोकार्ड होता है, तो उसी नोटोकार्ड के जैसे सिमिलर एक स्ट्रक्चर स्टोमोकार्ड होता है, जो हेमिकार्डेटा में कॉलर रीजन में होता है। ठीक है, ये नोटोकार्ड नहीं है, बट नोटोकार्ड के जैसा है। इसीलिए पहले इसे स्टोमोकार्ड के पाए जाने के बेसिस पे पहले इसे कार्डेटा में एक सब फाइलम माना जाता था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर स्टोमोकार्ड है एक्चुअल में नोटोकार्ड नहीं होता, बट उसके सिमिलर होता है और रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है। तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट अपडेट आया था, याद रखिएगा। हेमिकार्डेटा हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड। ये कहां पे है स्टोमोकार्ड? हेमिकार्डेटा में। कहां, किस रीजन में? कॉलर रीजन में। और सिमिलर होता है नोटोकार्ड के जैसा हुई होता है, और ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो दो पॉइंट आपने अभी देखा कि हेमिकार्डेटा को तो पहले एक सब फाइलम माना जाता था कार्डेटा फाइलम में, लेकिन आज के समय में इसे एक सेपरेट फाइलम मानते हैं और कार्डेटा में नहीं, किसमें? नॉन कार्डेटा में है। हेमिकार्डेटा के मेंबर्स में उनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है, एक अल्प विकसित स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, और वो सिमिलर होता है किसके? नोटोकार्ड के। ठीक है, दिस फाइलम, अगर हम लोग हेमिकार्डेटा फाइलम की बात करें, तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैरीन एनिमल। वार्म लाइक, ठीक है, वार्म लाइक, जैसे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनके जैसे वार्म लाइक मैरीन एनिमल्स का एक छोटा सा ग्रुप है, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन केवल ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा भाई। अगर जिनमें ऑर्गन सिस्टम होगा, तो उसमें जो है सेल्स होंगी, टिश्यू होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ये और सारे सिस्टम से और सारे जो है क्लासिफिकेशन से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो याद रखिएगा, हेमिकार्डेटा में जो है क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री की अगर बात करें बेटा, तो बायलैटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये भी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का कहने का मतलब क्या हो गया? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, और सीलोमेट भी होते हैं ये। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप है मैरीन एनिमल्स का, वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं जिनका स्मॉल ग्रुप है हेमिकार्डेटा का फाइलम,
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, टेप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। याद रखिएगा, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। तीन पार्ट में इनकी बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेटा अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मोलस्का में आपने देखा था। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होता है। याद रखिएगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हेमिकार्डेटा में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। सेक्सेस बेटा इनमें सेपरेट होते हैं। सेपरेट कहने का मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस आप बोलते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा हेमिकार्डेटा में एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, तो दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा जो एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं, बैलेनोग्लासेस एंड सैकोग्लासेस, ये दोनों एग्जाम्पल्स हेमिकार्डेटा के हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें बेटा, तो तीन पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया ये प्रोबोसिस का रीजन, दूसरा आप देखते हैं कॉलर रीजन, और तीसरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं ट्रंक। तो इनके बॉडी को तीन पार्ट में आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस इज ए पार्ट ऑफ दियर बॉडी एंड प्रोबोसिस ग्लैंड इन द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस आप समझ के रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें बेटा, फाइलम कार्डेटा, तो हेमिकार्डेटा छोटा सा फाइलम है जो नॉन कार्डेटा में आज के समय में पढ़ा जाता है, जो कि पहले कार्डेटा में पढ़ा जाता था। पूछा जाए क्यों कार्डेटा में पढ़ा जाता था, तो क्योंकि नोटोकार्ड के सिमिलर एक स्ट्रक्चर उसमें कॉलर रीजन में मिलता है, जिसे स्टोमोकार्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसे पहले नोटोकार्ड ही माना जाता था और उसे कार्डेटा में पढ़ा जाता था, इसको हेमिकार्डेटा के एक सब फाइलम माना जाता था। लेकिन सारी पॉइंट आपने क्लियर किया, आज के समय में ये हेमिकार्डेटा एक सेपरेट फाइलम है, याद रखिएगा। लेकिन वो सेपरेट फाइलम किस में है, नॉन कार्डेटा में है। ठीक है, और सारे बेसिक्स पॉइंट को आपने समझा, रिमाइंड करके आप रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फाइलम कार्डेटा की। ठीक है, तो फाइलम कार्डेटा अगर देखा जाए तो कुछ इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसके बेसिस पे कार्डेटा फाइलम को और सारे फाइलम से डिस्टिंग्विश किया जाता है। क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं देखिएगा यहाँ पे, कि इनके जो एनिमल्स होते हैं बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। पहली बात तो नोटोकार्ड होना चाहिए, डार्सल हालो नर्व कार्ड होना चाहिए, नर्वस सिस्टम डार्सल साइड में होना चाहिए, एंड पेयर्ड या तो फेरेंजियल गिल होगी या गिल स्लिट होंगे। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होंगी, ये सारे करेक्टरिस्टिक अगर हैं तो मेंबर्स को फाइलम कार्डेटा में रखा जाता है। अगर बात करें और कंपैरिजन देखें कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में, तो कार्डेट में बेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कार्डेट में ये नोटोकार्ड स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। याद रखिएगा, नॉन कार्डेट में नोटोकार्ड अब्सेंट होता है। ठीक है, और नोटोकार्ड के सिमिलर एक स्ट्रक्चर आपने देखा है जो हेमिकार्डेट में मिलता है, उसे स्टोमोकार्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी कॉलर रीजन में, लेकिन वो नोटोकार्ड नहीं होता। तो नॉन कार्डेट में नोटोकार्ड अब्सेंट होगा, जबकि कार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे ये नोटोकार्ड क्या है। एक्चुअल में बेटा नोटोकार्ड ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोगों में वर्टिब्रेट में आप देखते हैं, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, हमारा जो बैक बोन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है, जब जो है वर्टिब्रेट की अगर बात करें, तो इनिशियल डेज में तो नोटोकार्ड वर्टिब्रेट में जो है, जो हायर वर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है कार्डेटा की, हायर आप कह सकते हैं क्लासेस सब फाइलम है, तो उसमें अच्छी तरीके से नोटोकार्ड जो है आप देखेंगे जो होता है। ठीक है, जैसे वर्टिब्रेटा में ये नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में जो है बदल जाता है, मतलब उनके चारों तरफ कार्टिलेजिनस कवरिंग हो जाती है, बोनी कवरिंग हो जाती है। तो नोटोकार्ड आप एक तरीके से जो है वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले जो है स्पाइनल कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं, कि नोटोकार्ड बाद में किसमें जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, कि स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो नोटोकार्ड जो है बेटा, ये नोटोकार्ड, ठीक है,
प्रेजेंट है कार्डेट में जबकि नॉन कार्डेट में अब्सेंट होता है। और बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS आप बोलते हैं, इसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, ठीक है। तो ये कार्डेट में डार्सल होता है, हम लोग भी कार्डेट हैं। अगर अपनी बॉडी को आप जो है महसूस करें तो आप देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे बैक रीजन में है, हमारे पीछे रीजन में है, उसे आप डार्सल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और एब्डोमेन और चेस्ट वाला रीजन ये वेंट्रल रीजन होता है। तो हम लोगों में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किधर होता है, डार्सल होता है। और याद रखिएगा हॉलो होता है, बीच में वेंट्रिकल कैविटी होती है और ये सिंगल होता है। जबकि नॉन कार्डेट में देखेंगे तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हम लोगों की जैसे डार्सल नहीं होता, उनमें आगे की साइड में होता है, वेंट्रल होता है। हम लोगों में हॉलो था तो नॉन कार्डेट में सॉलिड होगा। हम लोगों में सिंगल्स हैं कार्डेट में जबकि नॉन कार्डेट में डबल होगा, याद रखिएगा। फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स में परफोरेटेड मतलब छिद्र होना, छोटे छोटे होल होना, जिन्हें गिल स्लिट बोलते हैं, कार्डेट में पाए जाते हैं। जबकि नॉन कार्डेट में बेटा गिल स्लिट अब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। हार्ट जो है कार्डेट में वेंट्रल साइड में होता है। हम लोगों को ही देखेंगे तो हम लोगों का दिल किधर है, चेस्ट रीजन में है, आगे है, वेंट्रल साइड में है। जबकि अगर ये नॉन कार्डेट होंगे तो उनमें जो ये हार्ट होगा पाया तो जाएगा बट डार्सल रीजन में मिलेगा, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, और एनल रीजन जो है, ठीक है, उसके लास्ट में आप देखें तो पोस्ट एनल पार्ट या टेल जिसे कहते हैं कार्डेट में पाया जाता है। जबकि नॉन कार्डेट में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, नहीं पाया जाता है। जनरल करेक्टर अगर कार्डेट का देखें बेटा तो ये बायलैटरल सिमेट्री इनमें भी होती है, टेप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट। आप तो कई जो है फाइलम से इस चीज को कॉमन देखते आ रहे हैं और एक साथ में आप रिमाइंड करके रखिएगा इसको, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो आपने देखा सिमेट्री टेप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्री थी, टेप्लोब्लास्टिक हो गए, सीलोमेट हो गए। और अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। आपने पहले ही पढ़ा पोस्ट एनल टेल इसमें पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, क्लोज होता है, कैसा होता है, क्लोज होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें फाइलम कार्डेटा की तो इसे तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा यूरोकार्डेटा, उसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा होता है। कार्डेटा का दूसरा सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा और तीसरा जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है, एक सब फाइलम होता है, आप इसे अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा बेटा। और एक चीज और भी इसमें आपको समझने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा है और सिफेलोकार्डेटा, इन दोनों को आपस में जो है अगर एक साथ मिलाया जाए तो इसे आप बोलते हैं प्रोटोकार्डेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप समझ के रखिएगा। इसे एक साथ अगर आप मिलाते हैं यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को तो इन्हें जो है आप क्या कह सकते हैं, प्रोटोकार्डेटा। क्या कह सकते हैं, प्रोटोकार्डेटा। आगे आपको ये पॉइंट मिलेगा भी, तो ये भी याद करके रखिएगा कि कार्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जाएगा, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। जिनमें से यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा कॉमनली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा। तो सब फाइलम उसी चीज को यहाँ पे इतने जो है एक्सप्लेन किया है कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकार्डेटा। इसको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। इनके मेंबर्स जनरली जो है कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, याद रखिएगा। यूरोकार्डेटा में बेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है लेकिन लार्वल स्टेज में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली इन लार्वल टेल में ही जो है नोटोकार्ड पाया जाएगा। जबकि जो सिफेलोकार्डेट होंगे उनमें हेड से लेकर टेल रीजन तक नोटोकार्ड होता है और परसिस्टेंट मतलब बरकरार रहता है, बना रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो नोटोकार्ड ओरिजिनेट यूरोकार्डेट में हुआ, किसमें, यूरोकार्डेट में हुआ, लेकिन यूरोकार्ड में उनके केवल लार्वल के टेल रीजन में मिला। जबकि बेटा सिफेलोकार्डेटा में हेड से लेके टेल रीजन तक मिला और पूरे लाइफ तक ये परसिस्टेंट रहा, याद रखिएगा। जबकि आप वर्टिब्रेटा में देखेंगे ये अपने आप को बदल के और वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, ठीक है। आगे एग्जांपल अगर हम लोग देखें बेटा तो यूरोकार्डेटा का एग्जांपल एसिडिया, साल्पा, डोलियम, ये तीनों एग्जाम्पल जरूर याद करके रखिएगा। हो सकता है एनसीईआरटी का पॉइंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक है। आप जो है कुछ चाहें तो कोड भी बना सकते हैं, यूरोकार्डेटा को यो यहाँ पे लिखें और
साल्पा का एस लिखें, एसिडिया का ए लिखें और डोलियम का डी लिखें। यू सैड, ऐसे आप कोड बना सकते हैं कि आप दुखी हैं, तो आप बोलिएगा नहीं, यू का मतलब यूरोकार्डेटा, एस का मतलब साल्पा, ए का मतलब एसिडिया एंड डी का मतलब डोलियम। ठीक है बेटा, तो यूरोकार्डेटा के तीन मेंबर आप जरूर याद करके रखिएगा। सिफेलोकार्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सिस और लेंसीलेट बोलते हैं इसे, ठीक है, लेंसीलेट। तो ये जो है हो जाएगा, आप रिमाइंड करिएगा किसका, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा एम्फियाक्सिस लेंसीलेट या ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकार्डेटा का मेंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे अगर देखें हम लोग बेटा कि द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, तो एसिड जो है आपने देखा साल्पा एसिडियम एंडोलियम, तो यूरोकार्डेटा का हो गया, ब्रेंकियो स्टोमा ये सिफेलोकार्डेटा का एग्जांपल हो गया। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, एग्जांपल जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, और आगे अब बात करें वर्टिब्रेटा की। ठीक है, तो मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में इनमें नोटोकार्ड मिलता है। नोटोकार्ड कहाँ मिलता है? खाली एम्ब्रियोनिक पीरियड में मिलता है। बाद में क्या होता है इस नोटोकार्ड का? ये नोटोकार्ड बेटा रिप्लेस हो जाता है बाय ये कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जिसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डियां या जो है कसेरगी, तो उससे जो है नोटोकार्ड के रिप्लेस होने से ही ये जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है एडल्ट में, याद रखिएगा। तो ये नोटोकार्ड वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक पीरियड में है। तो अब अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें बेटा कि कार्डेटा में तीन सब फाइलम, एक तो ट्यूनिकेटा या यूरोकार्डेटा, उसमें लार्वल स्टेज में टेल रीजन में ही खाली मिला था। दूसरा सब फाइलम आपको सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा में आपको हेड से टेल रीजन तक था और परसिस्टेंट था थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे जीवन तक कहा जाता था। लेकिन वर्टिब्रेटा में ये नोटोकार्ड बेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड तक, वर्टिब्रेटा में ये नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड तक, याद रखिएगा एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही होता है। बाद में ये नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो ऑल वर्टिब्रेट इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट कार्डेट हैं, बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इस लाइन को समझिएगा, ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, सारे के सारे वर्टिब्रेट कार्डेट तो होते हैं, लेकिन ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सारे के सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आर कार्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम आर नॉट फाउंड, बट इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज वर्टिब्रेटा के मेंबर सारे के सारे कार्डेट हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे। जैसे यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा कार्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, रिमाइंड करिएगा इसे। बिसाइड द बेसिक कार्डेट करेक्टर वर्टिब्रेट हैव एडवेंट्रल मस्कुलर हार्ट। कुछ जो बेसिक करेक्टर आपने ऊपर देखा उसके अलावा भी मस्कुलर हार्ट होता है कार्डेट में, दो चैम्बर के हो सकते हैं, तीन चैम्बर के हो सकते हैं या फोर चैम्बर के हो सकते हैं। किडनी होता है किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेज होते हैं जो फिन भी हो सकते हैं या लिम्ब भी हो सकते हैं, जैसे फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब। ठीक है, क्लासिफिकेशन कार्डेटा का अगर बेटा यहाँ पे देखें तो दो ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया, एक एक क्रेनिया में और दूसरा ग्रुप जो था क्रेनियोटा में। एक क्रेनिया को प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं, जिसमें दो सब फाइलम हैं, एक यूरोकार्डेटा दूसरा सिफेलोकार्डेटा, जिसके एग्जांपल्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। एसिडिया, साल्पा, डोलियम या हार्डमानिया, ये एग्जाम्पल इसके होते हैं। ठीक है, तो एक एच और इसमें आप जोड़ दीजिएगा जो यू सेड का आपने कॉल कोड बनाया था, तो हार्डमानिया भी इसी का जो है प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा का मेंबर होता है। सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सिस या लैम्फीसेट होता है, याद रखिएगा। सिफेलोकार्डेटा एक सब फाइलम है, जबकि सिफेलोपोडा वो मोलस्का का एक क्लास है, तो वहां से आप कंफ्यूज मत होना। ये सिफेलोकार्डेटा ये जो है कार्डेटा का एक सब फाइलम होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्रेनियोटा की, जिसे यूकार्डेटा भी बोलते हैं, इसमें वर्टिब्रेटा सब फाइलम आता है। हार्डमानिया जो होता है बेटा, ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब सब लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। एक्चुअल में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं, होता क्या, हार्डमानिया के जो लार्वा होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं और एक्टिव होते हैं, जबकि जो इनके एडल्ट होते हैं,
जो इनके एडल्ट होते हैं वो आप कह सकते हैं कि जो है इनके लार्वा की कंपैरिजन में जो है आप कह सकते हैं एक्टिव ज्यादा नहीं होते हैं, फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं, आप स्टेशनरी तरीके से कह सकते हैं, एक जगह है तो बहुत दिनों तक एक जगह पे ही रहेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, मतलब ऐसा एहसास होता है कि प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रेट्रोग्रेसिव, मतलब लार्वल स्टेज में या आप ऐसे महसूस करिए जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे और एडल्ट जैसे ह्यूमन बींग में ही देखें तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में जो छोटे बच्चे होते हैं और जो एडल्ट होते हैं, तो आप खुद देखिए कि बच्चों की अपेक्षा जो एडल्ट होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा वर्क कर सकते हैं। बच्चों की कंपैरिजन में जो एडल्ट होते हैं वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ उनमें हुई है, आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा एक्टिव हैं, बच्चों की कंपैरिजन में ज्यादा वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि बच्चे ज्यादा काम करें एडल्ट की कंपैरिजन में, बच्चे ज्यादा एक्टिव रहे, बच्चे ज्यादा ताकतवर रहे एडल्ट की कंपैरिजन में, तो ये उल्टा हो जाएगा, उसी को रेट्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो हार्ड मानिया के मेंबर जो होते हैं इनके लार्वल स्टेज ज्यादा इनके लार्वा ज्यादा एक्टिव होते हैं, फ्रीली स्विमिंग करते हैं, जबकि एडल्ट जो है लार्वल की कंपैरिजन में एक तरीके से इन सारे करेक्टर में रिसेसिव दिखा देता है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, स्टेशनरी एक जगह पे पड़ा रहता है। तो इसलिए माना जाता है कि लार्वल से एडल्ट की तरफ जब गए तो ये ग्रोथ प्रोग्रेसिव की बजाय रेट्रोग्रेसिव हुई, तो उसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्टिब्रेटा को डिवाइड कर दिया गया है दो डिवीजन में, एक एग्नेथा दूसरा नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा में लेग या जबड़े नहीं होते हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। जो एग्नेथा है बेटा एग्नेथा डिवीजन में एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है, याद रखिएगा, जबकि नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, एक है पिसिज और दूसरा है टेक्टापोडा, एक है पिसिज दूसरा है टेक्टापोडा। जो पिसिज होते हैं उनमें बेटा फिन्स होते हैं, क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जबकि टेक्टापोडा में लिंब होते हैं जैसे फोर लिंब एंड हाइंड लिंब। पिसिज में बेटा कांडिक थीज और ऑस्टिक थीज दो क्लास आते हैं, जबकि टेक्टापोडा में चार क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन एग्नेथा जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट हैं इनको देखते हैं। इनके क्लास को क्या बोला गया था, साइक्लोस्टोमेटा, क्या बोला गया था, साइक्लोस्टोमेटा। इनके सारे के सारे मेंबर्स जो है एक्टोपैरासाइट हैं, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इस साइक्लोस्टोमेटा क्लास के सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट किसके ऊपर एक्टोपैरासाइट होंगे, कुछ फिशेस के ऊपर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6-15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रिस्पिरेशन, 6-15 पेयर, 6-15 पेयर गिल स्लिट होते हैं, याद रखिएगा, रिस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमेट में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इसमें जॉ नहीं होते, जबड़े एब्सेंट होते हैं। डियर बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन भी नहीं होता बेटा इनमें, इनमें पेयर्ड फिन भी नहीं होते, फिन्स मतलब जिससे मछलियां जैसे तैरती हैं, तैरने वाले स्ट्रक्चर, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन आपने देखा होगा मछलियों में, जो इनमें फिन्स नहीं होते साइक्लोस्टोमेट में, और स्केल से भी नहीं पाए जाते हैं, डिवाइड ऑफ स्केल, डिवाइड का मतलब ना होना। ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम मतलब जो ब्रेन बॉक्स होता है और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उन वो कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन बेटा कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा, याद रखिएगा, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना है। साइक्लोस्टोमेट मैरीन होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग मतलब होता है अंडे देने के लिए, एग लेइंग के लिए। तो साइक्लोस्टोमेट होते तो मैरीन हैं, बट अंडों अंडे देने के लिए, अपनी अगली जनरेशन चलाने के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। कहां जाते हैं, फ्रेश वाटर में, और आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब होता है अंडे देना, अंडे देने के बाद विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में दे डाई, इनके मेंबर्स मर जाते हैं। इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद में फिर से ओशियन में लौट आते हैं। तो स्पॉनिंग, अंडे इन्होंने कहां पे दिया, फ्रेश वाटर में माइग्रेट होके, उसके बाद वो मर गए और इनके लार्वा फिर से वापस आ गए। ठीक है, लेकिन वापस कब आएंगे, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के बाद में वापस आ जाते हैं ओशियन में। कहां वापस आ जाते हैं, ओशियन में। देयर लार्वा इज कॉल्ड अमीसीड, इनके लार्वा को अमीसीड बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा पेक्टोमाइजान,
लैम्प्रे इसका एग्जाम्पल है और मिगजीन हैगफिश ये भी एग्जाम्पल्स होता है किसका साइक्लोस्टोमेट का। याद रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको आप रिमाइंड करते रहिएगा ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाया गया है जॉलिस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजान यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है। आगे अगर हम लोग नेथोस्टोमेटा के बारे में देखें तो इनमें बीएस जा होते हैं। सुपर क्लास पहले हम लोग पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फिन्स होते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्टापोडा को पढ़ेंगे। तो पीसीज को अगर हम लोग देखें बेटा तो मेंबर्स आर मेनली एक्वाटिक। इनके मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, याद रखिएगा। कैसे होंगे? एक्वाटिक होंगे। कॉन्डिक्थीज क्लास जो है, कॉन्डिक्थीज क्लास में कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, कॉन्डिक्थीज क्लास में जो मछलियां हैं वो कैसी हैं? कार्टिलेजिनस फिश होती हैं ठीक है। कॉन्ड्रस का मतलब ही होता है कार्टिलेज और इक्थीज का मतलब होता है फिशेस। तो इसका मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस का मतलब कॉन्डिक्थीज का मतलब ही है कार्टिलेजिनस फिशेस। दे आर मैरीन एनिमल। ये कैसे होते हैं? मैरीन एनिमल्स हैं। कैसे हैं? मैरीन एनिमल हैं विद स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। मैरीन एनिमल है, स्ट्रीम लाइन मतलब बिल्कुल पानी में तैरने लायक प्रवाह में बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बॉडी जो होती है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। माउथ बेंटरली बेंटल साइड पे है। माउथ कहाँ पे है? बेंटल साइड पे है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ और पूरे जीवन जो है नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है पूरे जीवन ठीक है। रिस्पिरेशन में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, उनसे रिस्पिरेशन होता है। गिल स्लिट सारे के सारे सेपरेट होते हैं। गिल स्लिट कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं विदाउट अपरकुलम, जिसे गिल कवर बोलते हैं। मछलियों में आपने देखा होगा गिल को ढकने के लिए कवर होता है, गिल कवर। लेकिन अगर गिल कवर है तो वह होती है ऑस्टिक्थीज के मेंबर बोनी फिशर। अगर कॉन्डिक्थीज है कार्टिलेजन फिशर तो उनमें अपरकुलम या गिल कवर नहीं होता है। और गिल कितने हो गए? 5 to 7 पेयर। इसके पहले साइक्लोस्टोमेट में आपने देखा था गिल का नंबर अप टू आपने देखा था कितना था? 6 to 15 पेयर था। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं 5 to 7 पेयर आप गिल हैं, याद रखिएगा। और गिल कवर इनमें नहीं पाई जाती हैं ठीक है। स्किन की अगर बात करें बेटा तो इनकी टफ होती है, कड़ी होती है। माइन्यूट प्लीकॉइड स्केल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि आपने देखा था अभी साइक्लोस्टोमेट में जो है स्केल्स एब्सेंट होते थे, जबकि इसमें प्लीकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लीकॉइड स्केल, जो इनके दांत होते हैं यही स्केल के मॉडिफाइड होते हैं। और बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की साइड में डायरेक्टेड होते हैं। ये अगर जो है आप देखें, जैसे इनका ये जबड़ा है, अगर ये जबड़ा है तो इनके दांत को देखेंगे तो ये पीछे की साइड में जो है डायरेक्टेड होते हैं ठीक है। बैकवर्डली डायरेक्टेड, याद रखिएगा ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं। दियर जो आर वेरी पावरफुल, इनके जबड़े जो होते हैं बेटा ये बड़े पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, और ये शिकारी होते हैं। इनके में जो है कॉन्डिक्थीज के मेंबर्स में एयर ब्लेडर नहीं होता है। एयर ब्लेडर इनकी बॉडी में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो हवा भर लेते हैं तो उनकी बॉडी हल्की हो जाती है और वो बाहर जो है आसानी से उनको तैरने में हेल्प मिलती है। लेकिन इनके मेंबर्स में जो है एयर ब्लेडर अब्सेंस होता है, याद रखिएगा, जिससे दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ये लगातार तैरते रहते हैं। सिंकिंग मतलब अपने सिर को पानी में डुबोने से अपने आप को बचाते हैं ठीक है। स्विम कॉन्स्टेंटली, लगातार तैरते रहते हैं क्योंकि एयर ब्लेडर है नहीं, अगर डुबोएंगे तो डूब के मर सकते हैं। हार्ट इनमें दो चैम्बर होता है, कैसे होता है बेटा? टू चैम्बर होता है, याद रखिएगा। वन होता है ऑरिकल और वन होता है पेंटिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल आर्गन, कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन होता है, जैसे एग्जांपल टॉर्पीडो एक कार्टिलेजिनस फिश है। सम प्रोसेस पॉइजन स्टिंग, और कुछ में पॉइजन के स्टिंग होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ट्राइगोन, कौन हो जाएगा? ट्राइगोन, याद रखिएगा। इनके मेंबर्स कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे बाहर का टेम्परेचर ऐसे इनके अंदर का टेम्परेचर रहेगा। अगर आप जो है कार्टिलेजिनस फिश को लेकर कहीं ऐसे वाटर में लेके चले जाएं जिसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो ये मर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर का भी टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब बाहर के टेम्परेचर से अपने अंदर के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट होते हैं, जिसका मतलब डायोसियस हो गया। मेल में पेल्विक फिन बियर क्लेस्पस, क्लेस्पस पाया जाते हैं पेल्विक फिन पे मेल्स के, याद रखिएगा।
दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो है मेनी ऑफ देम आर बेबी पैरस, इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बेबी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए कार्टिलेजनस फिश का, स्कोलियोडॉन जिसे डॉग फिश बोलते हैं, इसमें स्मेल की कैपेसिटी ज्यादा होती है इसीलिए इनको डॉग फिश बोला जाता है। अरिस्टिस सॉ फिश, इनका मुंह जो जबड़ा होता है वो आरी नुमा होता है इसीलिए सॉ मतलब आरी होता है लकड़ी काटने वाला, तो अरिस्टिस बोलते हैं। और फिर कैरोडन ग्रेट व्हाइट शार्क है, याद रखिएगा शार्क भी कार्टिलेजनस फिश है। शार्क मछली का नाम सुनते ही एक मन में लोगों के डर आता है, तो जो है कैरोडॉन ये ग्रेट व्हाइट शार्क होती है। स्टीजो स्टोमा ये जेब्रा शार्क बोलते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल फिश इन सी, समंदर की सबसे खूबसूरत मछली यही होती है स्टीजो स्टोमा, याद रखिएगा। ट्राइगॉन जिसे आपने अभी देखा भी था कि पॉइजन स्टिंग होते थे इसमें, ठीक है, ये स्टिंग रे भी बोलते हैं, वो इन्हीं के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने, फिगर भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अरिस्टिस सॉफिसेस आरिनुमा है इनके मुंह जबड़े, मुंह देखिए, और स्कोलियोडॉन ये डॉग फिश आप फिगर में देख रहे हैं। दूसरे जो है क्लास ऑस्टिकथीथ के बारे में बेटा अगर हम लोग डिस्कस करें तो ऑस्टियन का मतलब होता है बोन, इक्थीथ का मतलब होता है फिशेस, तो ऑस्टिकथीथ का मतलब हो गया बोनी फिशेस। कैसे फिशेस? बोनी फिशेस। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, बोनी फिशेस में मैरीन भी होती है और फ्रेश वाटर फिशेस होती है। जबकि कंपेयर करें अगर आप तो इसके पहले आपने देखा था कॉन्डिकथीथ जो थे ये मोस्ट दे आर मैरीन एनिमल, ये कैसे थे? ये मैरीन थे। जबकि आप ऑस्टिकथीथ में देखते हैं ऑस्टिकथीथ में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं विद बोनी एंडोस्केलेटन, जबकि कॉन्डिकथीथ में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था। दियर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, उनका माउथ जो है कॉन्डिकथीथ का जो है वो बेंटल था, जबकि इनका माउथ आप देखिए टर्मिनल होता है। कंपेयर करके पॉइंट को याद करिएगा, दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, इनमें गिल्स कितने होते हैं? फोर पेयर होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेट में आपने देखा था साइक्लोस्टोमेट में गिल कितने थे? 6 to 15 पेयर थे। उसके बाद आपने कॉन्डिकथीथ में देखा बेटा तो गिल्स कितने थे? 5 to 7 पेयर गिल थे, जबकि जो है और इनमें अपर कोलम या गिल कवर भी नहीं थे। जबकि आप ऑस्टिकथीथ में देखते हैं तो गिल का नंबर और कम हो गया, 4 पेयर ऑफ गिल होते हैं, और ये कवर्ड होते हैं बाय एन अपर कुलम या गिल कवर के द्वारा, इनमें कवरिंग होती है, जबकि इसके पहले कवरिंग नहीं आप देखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉयड या टीनॉयड स्केल, जबकि आपने देखा था साइक्लोस्टोमेट में तो स्केल भी नहीं थे, जबकि कॉन्डिकथीथ में प्लीकॉयड स्केल थे और टीथ भी उसी स्केल का बना हुआ था। कंपेयर करके जरूर याद क्या करिए जिससे क्वेश्चन आसानी से आपके निकलेंगे, जबकि ऑस्टिकथीथ में जो बॉडी पे स्किन पे कवरिंग होती है वो साइक्लॉयड या टीनॉयड स्केल्स होते हैं। ईयर ब्लेडर उसमें नहीं थे, जबकि इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, जिससे ये रेगुलेट बॉयंसी मतलब शरीर को हल्कापन होता है और रेगुलेट करते हैं, और ये जो है बॉडी को अपने वाटर में नीचे भी डुबो सकते हैं और ऊपर भी तैरते रहते हैं। हार्ट इज 2 chambers, उनमें भी 2 chambers था, इसमें भी 2 chambers है, 1 auricle 1 ventricle, इनकी भी बॉडी कॉन्डिकथीथ के जैसे ही कहती है कोल्ड ब्लडेड है, पोल्कुलोथर्म है, मतलब ये भी अपने बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है, दे आर मोस्टली ओविपैरस, ये मेंबर्स कैसे होते हैं? ओविपैरस होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस में आपने देखा था कुछ विविपैरस भी थी, ठीक है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, कैसे होता है डायरेक्ट? मैरीन अगर ऑस्टिकथीथ की बात करें तो एक्जोसीट फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस का नाम सुना होगा सी हॉर्स, ये भी ऑस्टिकथीथ में आते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू मछली का नाम सुना होगा, कटला और क्लेरियोस मगोर, ये सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं। एक्वेरियम फिशेस की बात करें बेटा तो बेटा फाइटिंग फिश है और टेरोफिलम एंजल फिश है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल लैटमेरिया प्रिमिटिव बोनी फिश विच इज ए लिविंग फॉसिल, लैटमेरिया ये लिविंग फॉसिल है और प्रिमिटिव बोनी फिशेस है। हिप्पोकैम्पस ये पेरेंटल केयर शो करता है, पेरेंटल केयर शो करता है, याद रखिएगा। ब्रूड पाउच होते हैं इनकी बेली में, ब्रूड पाउच प्रेजेंट इन बेली ऑफ मेल फॉर इंक्यूबेटिंग एग, जिनमें जो है मेल जो है हिप्पोकैम्पस ये एग का इंक्यूबेशन करते हैं जिससे उनसे जो है बच्चे निकलते हैं, ठीक है। एम्पली ऑफ लॉरेंजिनी एक स्ट्रक्चर है, ये सेंसरी ऑर्गन होता है बेटा,
और ये जो है हेल्प टू सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्मल चेंज इन वाटर इन सार्क एंड चाइमेरियास, इन सब में पाया जाने वाला एम्पली ऑफ लोरेंजनी एक सेंसरी ऑर्गन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल चेंज को जो है उसके सेंसेशन को पानी में समझता है, जिससे कहीं अगर जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा है या बहुत कम है या जो है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है वाटर में तो उनसे अपना ये बचाव कर लेते हैं, सेंसेशन होता है और ये उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, यही ब्रूड पाउच है जहाँ पे इनके बेली में एग ये एग को इनको वेट करते हैं, पेरेंटल केयर शो करते हैं, याद रखिएगा। और जो है ये कटलाफिश यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपने जो है देखा हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के बारे में, इसको अच्छी तरीके से रिमाइंड करिएगा, सारे एग्जाम्पल आप याद करिएगा। और इसके आगे के टॉपिक टेट्रापोडा जो है के बारे में, सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करिए और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड करूंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस समय COVID-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है सब लोग अपना जो है ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का, अपनी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहें भाई। चलिए, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।